गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम EDP या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसे किसी भी प्रोग्राम को कहते हैं जिसके द्वारा हम किसी नए आए बंदे को यानी कि एंटरप्रेन्योर को एक प्लेटफॉर्म देने का ट्राई करते हैं। प्लेटफॉर्म देने का ट्राई करने का इसका ये मतलब है, लेट्स से अभी वी वर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में अभी वी वर डिस्कसिंग फॉर रस रैंडमली कि ये ओ लेवल क्या होता है। अगर आपके पास ओ लेवल की नॉलेज है तो कुछ ऐसे पोस्ट हैं, कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा वेटेज दी जाती है। अब वो ओ लेवल आपको कोई जन्म से तो नहीं ना सीख के आए हो, आप एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप उस नॉलेज को अक्वायर करोगे, तब जाके वो नॉलेज को लाइफ में आगे कहीं यूज़ में ला पाओगे। यही मतलब हुआ, EDP का भी यही मतलब होता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको एंटरप्रेन्योरियल, हमारे पास आइडिया है कि ये बिजनेस इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा करेगा, आइडिया है, पर हमें अब ये नहीं पता है, क्योंकि मैं अगर एक एंटरप्रेन्योर हूँ तो इस शब्द से ये बात साफ हो जाती है कि मेरे घर खानदान में कोई बिजनेस में कभी नहीं रहा, हो जाती है ना। तो मुझे बेसिक्स ऑफ बिजनेस ही नहीं आते हैं, आइडिया तो है, आइडिया सक्सेसफुल भी होगा ये भी मुझे पता है, मैंने सर्वे किया, मैंने रिसर्च किया, मुझे बहुत भरोसा भी है, बट आई डोंट नो हाउ टू रीच द मार्केट एंड द कंज्यूमर्स। तो ये नॉलेज, ये नो हाउ मुझे जिस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्राप्त हो सकती है उसी स्किल डेवलपमेंट का नाम होता है EDP या एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अभी देखो, ये एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम तीन स्टेजेस का होता है, प्री ट्रेनिंग फेज, ट्रेनिंग फेज, पोस्ट ट्रेनिंग फेज। बहुत सिंपल सी बात करो, अगर CBSE वगैरह में यूनिट टेस्ट होते थे ना, यूनिट टेस्ट होता था ना, और क्या होता था उसमें, जनरली हाफ ईयरली में जो सिलेबस कवर हो जाता था उसके बाद के 2 से 3 चैप्टर्स आते थे। प्री ट्रेनिंग फेज का मतलब ये होता है कि हमने बच्चे को, एक नॉर्मल टर्म में समझा रहा हूँ समझना, हमने बच्चे को चैप्टर तो कवर कर दिया कि भाई देखो ये EDP है, या ये EDP छोड़ो, मान लो हम किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जनरल साइंस पढ़ा रहे हैं, वाटर साइकिल उसको पढ़ा रहे हैं, तो हमने बता दिया देखो ये वाटर साइकिल ऐसे होता है, वाटर इवेपोरेट होता है, स्टीम बनता है, एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक। ट्रेनिंग फेज में हम उस बच्चे को होमवर्क देते हैं, उसको डायग्राम बनाने को देते हैं, केवल इतना। और पोस्ट ट्रेनिंग फेज में फिर हम उस बच्चे का यूनिट टेस्ट या टेस्ट लेते हैं, यही EDP है। तो सबसे पहले EDP में हम अपने एंटरप्रेन्योर को सिखाएंगे कि देखो मार्केट, तुम्हारा मार्केट ये है, तुम्हारा कस्टमर टारगेट ये है। उसके बाद उस एंटरप्रेन्योर को हम ऐसे वर्कशॉप में, ऐसे माहौल में खुद काम करने का मौका देते हैं एज एन इंटर्न। और अंतिम में पोस्ट ट्रेनिंग फेज में दैट एंटरप्रेन्योर इज कम्प्लीटली रेडी फॉर द मार्केट, उसके कुछ टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं, और उसके बाद आपका EDP का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। इज दैट ओके? नेक्स्ट मैंने लिखा है इम्पॉर्टेंस ऑफ EDP। देखो EDP की जो इम्पॉर्टेंस होती है तुम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तुम्हारी जो भी पर्सनैलिटी डिवेलप होती है 17-18 साल में, उसमें सबसे अहम योगदान तुम्हारे स्कूल का होता है, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन के वो स्टार्टिंग के 12-13 साल होते हैं जो तुम एक ही जगह व्यतीत कर देते हो, ठीक है। तो उसी तरह एक EDP भी एक एंटरप्रेन्योर के सोचने समझने के तरीके में बड़ा बदलाव लाता है, उसके ब्रेन को रिवायर करता है, मार्केट के लिए रेडी करता है। तो सबसे पहला होता है, जैसे कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना बहुत इमोशनल, अक्सर उनसे बिजनेस में, अपने प्रोफेशनल फील्ड में इमोशंस के चलते कुछ गलतियां हो जाती हैं। हो सकता है वो ऐसे लोगों पे भरोसा कर लें जो उसके लायक ना हो,
हो सकता है वो ऐसे लोगों पे किसी पे गुस्से के चलते, किसी के नफरत के चलते आपने किसी ऐसे बंदे को ड्रॉप आउट कर दिया जो डिजर्व करता था। ईडीपी आपको प्रैक्टिकली सोचने का एक जरिया प्रोवाइड करता है। ईडीपी के थ्रू एंटरप्रेन्योर प्रोफेशनल लेवल पे सही गलत और पर्सनल लेवल पे सही गलत में डिफरेंस क्रिएट कर पाता है। उसके साथ ही साथ इकोनॉमी के लिए, पर्सनालिटी की तो बात हो गई, इकोनॉमी के लिए ईडीपी बहुत डिफरेंट एक सोर्स प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम नई जॉब भी क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम नई जॉब क्रिएट करें, हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, हमारा बिजनेस चल गया तो हमने नए ब्रांचेस लगाई, ब्रांचेस लगाई तो कई सारी ब्रांचेस लगाई तो एक तरह से हम देश की जीडीपी में हिस्सेदार भी बन गए। देखो सबसे पहला वही है, जॉब क्रिएशन। बढ़ते बढ़ते जब बिजनेस बढ़ता है तो एंटरप्रेन्योर एकदम से अकेले नहीं काम कर सकता है। देखो कोई भी आप काम करो, इधर यूर स्टडिंग और यूर वर्किंग, आप जिस काम को लगातार करते हो एक टाइम आता है उसमें आपको एक्सपर्टीज डेवलप हो जाती है। तो जॉब क्रिएशन में जब एंटरप्रेन्योर को एक्सपर्टीज डेवलप हो जाती है, ही और शी इज़ इन अ कंडीशन वेयर दे आर एबल टू प्रोवाइड ट्रेनिंग देने के वो सक्षम होते हैं कि हाँ अब मैं अपने अंदर 5 बंदों को ट्रेन करके अपने 5-5 ऑफिसेज में बैठा सकता हूँ। ठीक है, तो उन 5ों को सैलरी दोगे ना, जॉब क्रिएशन। एडिक्वेट कैपिटल, देखो एडिक्वेट कैपिटल बोलने का मतलब है अभी आगे जब ये 10 तुम्हें मैं ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ाऊंगी, ये ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योर के लिए बनाए गए हैं। तो ये स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योर कोई कम रेट पे क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इफेक्टिव यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, लोकल रिसोर्सेज इस वजह से लिखा है क्योंकि आप एकदम एक स्टार्टिंग बिजनेसमैन हो तो आप एकदम से लंदन या लॉस वेगस जाके अपने बंदों को, अपने रिसोर्सेज को नहीं कलेक्ट कर सकते। आप पैसे बचाने के तरीके भी देखोगे क्योंकि आपके लिए तब एक एक पैसा बहुत मायने रखता है। तो आप जनरली ऐसे रिसोर्सेज को, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, ऐसा सर्च करोगे जो आपके लिए बहुत फीजिबल हो या बहुत अप्रोचेबल हो। देन दिस वन, यस, इंक्रीज्ड पर कैपिटा इनकम, मैंने अभी डिस्कस किया, ब्रांचेस खोलेंगे, बंदे एम्प्लॉय करेंगे, धीरे धीरे उसकी प्रॉफिट होगी, धीरे धीरे वी विल कम ऑन द लिस्ट ऑफ जीडीपी। हो सकता है समय के साथ आपका बिजनेस इतना डेवलप कर जाए कि आज आपका ही एग्जाम्पल लेके आज के एंटरप्रेन्योर को हम ट्रेन करें, कल आप हमारे ईडीपी से ट्रेन हुए थे, इतना सक्सेसफुल हो गए कि आज आपका नाम लेके हम आगे आने वाली जनरेशन को ट्रेन करें। द लास्ट इज बूस्टिंग एंटरप्रेन्योर। बूस्टिंग का मतलब है उसको मॉरली, उसको प्रैक्टिकली और उसके नॉलेज को एनहांस करना, इस काबिल बनाना कि वो जाके ऑर्गेनाइजेशन को और साथ ही साथ अपने प्रोजेक्ट को भी सक्सेसफुली रिप्रेजेंट कर पाए। इज दैट ओके? जल्दी से देखो, लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। देखो पहला है सीडो, SIDO, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, सीडो उनके लिए क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ये एक गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया स्कीम है। कमर्शियल बैंक्स में भी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, एंजल ब्रोकिंग, इस टाइप के बहुत सारे पॉलिसीज हैं। और इन पॉलिसीज़ का काम क्या है? इन पॉलिसीज़ का काम है केवल एक एंटरप्रेन्योर को, एक स्टार्टअप वाले बंदे को क्रेडिट प्रोवाइड करना। थर्ड देखो ये लिखा है नए, NAYE, नए का मतलब है नेशनल अलायंस फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स। जो एकदम नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, 25-26 साल के नए बंदे हैं, उनके लिए नए के तहत हम क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। इज़ दैट ओके? Then the other one is NIESBUD. इसको क्या प्रोनाउंस करोगे? NIESBUD इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। NIESBUD stands for National Institute for Entrepreneurship
एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर है तो बड़ी जाहिर सी बात है कि स्मॉल बिजनेस ही होगा। एंटरप्रेन्योर अगर हम कुछ नया कर रहे हैं तो हम उसको एक स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल ऑन मूविंग ऑन इट टू अ लार्जर स्केल। तो ये भी छोटे एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करता है। ईडीआई इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो यहाँ डबल आई होना चाहिए बट नहीं, ठीक है ईडीआई है। ये भी वही है, अलग अलग नाम है, बस मुझे 10 जो इंपॉर्टेंट नाम लगे मैंने वो लिख दिए बोर्ड पे। IIC इज इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर। अच्छा IDBI, SIDBI को सब जानते हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI है। S स्टैंड्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया का हमारे देश के PM ने बहुत ज़्यादा प्रचार किया है क्योंकि स्किल इंडिया कोई भी अफोर्ड कर सकता है, उनकी अपनी साइट होती है और उस साइट पे जाके आप स्किल इंडिया का प्रोग्राम अवेल कर सकते हो। और अंतिम है स्टैंड अप इंडिया, खड़े हो जाओ हिंदुस्तान, ये भी स्किल इंडिया का एक सब प्रोग्राम है। अच्छा इसी के साथ EDP का चैप्टर खत्म हुआ। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। जल्दी से हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर 4 की तरफ।